नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार आपने कई योद्धाओं की या फिर अप्सराओं की कहानी के बारे में आपने सुना होगा, या अपने बुजुर्ग से या फिर अपनी दादी से, नानी से। ननिहाल में जाते हैं बच्चे, कहानियाँ सुनकर ही सोते हैं और उन्हीं कहानियों को सुनकर ही बड़े होते हैं। तो उन कहानियों का महत्व कुछ अलग ही है, जैसे कि महाभारत, रामायण में कथा है प्रेम की, ग्रंथ की और उनकी युद्धों के बारे में तो आपने रामायण और महाभारत में सुनाई है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी आपने सुना है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो जुनून से भरी हुई, ईर्ष्या से भरी हुई और जुदाई से भरी हुई कहानियाँ हैं, जिनमें से एक कहानी है अप्सरा जो थी उर्वशी और एक राजा थे जिनका नाम है पुरुरवा, जिनकी कहानी एक भरी हुई ईर्ष्या और जुदाई से भरी हुई है, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे। नंबर एक, पुरुरवा बुद्ध और ईला के पुत्र थे और साथ के साथ वह एक बहुत अच्छे योद्धा भी थे। कहते हैं जब असुरों का युद्ध हुआ था तब उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता था और उस युद्ध की समाप्ति उन्हीं के दौरान की जाती थी। एक दिन इंद्र के दरबार में उर्वशी बोर हो गई और उन्होंने सोचा कि वह पृथ्वी पर एक बार चक्कर लगाने जाए। उन्हें स्वर्ग की हरी भरी जिंदगी पसंद नहीं आई, उन्हें जो पृथ्वी पर सुख से और दुख से भरी हुई जिंदगी थी वो ज़्यादा अच्छी लगी। वह चाहती थी कि वह पृथ्वी पर ही आकर रहने लगे और उसी दौरान उन्हें एक असुर ने पकड़ लिया और उसके कारण उसे छुड़ाने के लिए पुरुरवा ने उनका पीछा किया और उर्वशी को उन्हें उनसे छुड़ाया और उस दौरान पर उर्वशी और उनका स्पर्श यानी कि टच हो गया और टच होने पर वह जादुई टच उनके मन को मोह ले गया। उर्वशी को किसी मनुष्य ने पहली बार छुआ था और उस छूने से उन्हें मोह हो गया और वह पुरुरवा से शादी करने को तैयार हो गई, लेकिन एक दूसरे के मन का हाल कोई नहीं जानता था और एक नाटक के दौरान उर्वशी माँ लक्ष्मी के किरदार निभा रही थी और पुरुषोत्तम विष्णु का, और जिसमें पुरुषोत्तम का नाम पुरुरवा लिया गया, जिसमें भरत ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने उर्वशी को श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी पर जाकर एक मनुष्य की पत्नी बनेंगी और उसके संतान को भी जन्म देंगी और ये इस बात से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्हें तो इस बात को जानकर कुछ आनंद आ गया क्योंकि वह एक मनुष्य के प्यार में पहले से ही दीवानी हो चुकी थी जो थे पुरुरवा, और इस बात का ज्ञान भरत ऋषि को हो चुका था, इसलिए उन्होंने कहा कि वह पृथ्वी पर जाकर ही रहेंगी और यह अप्सराओं के लिए एक नई बात थी। उर्वशी ने उनकी बात मान ली और उन्होंने पुरुरवा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि उर्वशी की पहली शर्त थी कि वह दो बकरियों को लेकर आएंगे और दोनों बकरियों का राजा संभालेंगे और दूसरी शर्त थी कि वह जब तक पृथ्वी पर रहेंगी जब तक घी का ही प्रयोग करेंगे, सेवन करेंगे, खाना भी उसी का खाएंगे, और चौथी शर्त थी कि वह जब तक एक दूसरे को नहीं देखेंगे जब तक वह यौन संबंध स्थापित नहीं हो जाते, यदि इस कारण वह कभी भी एक दूसरे से मिल लेते हैं या देख लेते हैं तो वह स्वर्ग वापस चली आएंगी। एक बार उन दोनों के प्रेम से सभी लोगों को ईर्ष्या होने लगी, उस ईर्ष्या के कारण स्वर्ग सूना था, इसी वजह से उन्होंने एक साजिश रची कि उर्वशी को किस तरह से वे स्वर्ग में लेकर आए। उन्होंने एक रात को बकरी चुरा ली और बकरी चुराने के बाद मिमियाना शुरू कर दिया। मिमियाते हुए बकरियों को सुनकर उर्वशी जग गई। उर्वशी ने सोचा कि मैंने तो बकरियां संभालने के लिए पुरुरवा को दिया है, लेकिन उस अवस्था में पुरुरवा ने कुछ नहीं पहन रखा था और पुरुरवा इसी अवस्था में बाहर चले गए बकरियों को ढूंढने के लिए और उन्होंने उन पर प्रकाश डाल दिया। प्रकाश डालते ही नग्न अवस्था में दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, इस कारण से कहते हैं कि उर्वशी का विवाह उनसे नहीं हो पाया। जैसा कि उर्वशी की तीसरी शर्त थी कि वह यदि नग्न अवस्था में एक दूसरे को देख लेते हैं वह उसी समय पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग चली जाएंगी, तो वैसा ही हुआ और उस दौरान वह पुरुरवा के पुत्र की माँ बनने वाली थी, तो उन्होंने उन्हें कहा कि वह कुरुक्षेत्र में उन्हें मिले और उन्होंने उन्हें बताया कि वह उनके बच्चे की माँ बनने वाली है और उन्होंने उस बच्चे को उन्हें सौंप दिया और वह स्वर्ग चले गए। कुछ स्थितियाँ ऐसी भी आई जिसके कारण वह कई बार पृथ्वी पर आई और कई बार वापस चली गई और कई बार उनके पुत्र भी हुए जो पुरुरवा के ही थे। ये थी वह कहानी जो उर्वशी और पुरुरवा से रिलेटेड थी, जिसके कारण उनकी ईर्ष्या, लालच और जुदाई से भरी हुई थी। जो एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, इतना आदर करते थे, फिर भी उन्हें जुदा होना पड़ा, ये सब देवताओं की साजिश थी। तो ये जानिए इस वीडियो के दौरान। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।